श्री रामचंद्र सो भगवान अद्वैत परमानंदात्मा यत् परब्रह्मो भूर्भुवस्वः तस्मै वै नमो नमः। ॐ विश्वानि देव सवितुर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः तस्मै सर्वात्मने नमः। ॐ बराबर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, आप लोग कई दिनों से मेरे विचार सुन रहे हैं। मैंने इससे पूर्व आप लोगों को एक बात बताई है कि धर्म का नहीं फेथ का परिवर्तन हो रहा है, होता है, और जिसका परिणाम विशेष रूप से वे लोग जो इस चक्र में लगे हुए हैं वह राष्ट्र परिवर्तन की भूमिका के रूप में निभाते हैं। इस समय विश्व में तीन प्रकार की विचारधाराएं अपना स्थान रखती है। एक विचारधारा है ईश्वरवादी। ईश्वरवादी विचारधारा की मान्यता है कि यह सृष्टि नई बनी है, अभी बनी है और आखिर बनी है। इससे पहले मनुष्य नहीं था और अब बाद में नहीं होगा, यही उसका पहला और आखिरी जन्म है। और ये इस सृष्टि ईश्वर ने बनाई है, बड़ा परिश्रम करके, बड़े श्रम के साथ इसे बनाई है। और ये सृष्टि 6 दिन में बनाई गई है, इसीलिए श्रम से श्रमित होकर के ईश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया है। इस सृष्टि के पीछे प्रयोजन क्या है इसका कोई उल्लेख नहीं कहीं। ईश्वर ने क्यों सृष्टि बनाई इसका भी कोई उल्लेख नहीं कहीं। लेकिन ईश्वरवादियों की यह मान्यता है कि सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है। इस सृष्टि में अन्य जितने प्राणी हैं सब ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको ईश्वर ने स्वतंत्र कर दिया। अब मनुष्य भी यदि ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है तो ईश्वर उसके ऊपर प्रसन्न होकर के जन्नत देता है, स्वर्ग देता है, और यदि आज्ञा का पालन नहीं करता तो उसे जहन्नम में, दोजख में, नरक में डाल देता है। ये नट शैल जिसे कहते हैं, संक्षेप में उनकी मान्यता है। अब ईश्वर की आज्ञा क्या है जिसका मनुष्य पालन करे, इसके लिए वहाँ ईश्वरवादियों में अलग अलग मत है। ये कहता है कि मोसेस पैगंबर के द्वारा, पैगंबर मोसेस के द्वारा जो संदेश मिला है वही ईश्वर की सही आज्ञा है, और ईश्वर ने उन्हीं के ग्रुप को चूजन पर्सन स्वीकार किया है, सेलेक्टेड पर्सन स्वीकार किया है, और जो उनकी आज्ञा का पालन करता है वही ईश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन बिताता है। दूसरे ने कहा नहीं, मोसेस नहीं, जेसस की आज्ञा जो है वो ईश्वर की आज्ञा है, उनका जो कथन है वो ईश्वर की आज्ञा है, ईश्वर के मुख्य संदेश वाहक वो हैं। तीसरे ने कहा नहीं, ये दोनों बहुत पुराने हो गए हैं, अब ईश्वर के संदेश वाहक आज से 1400 वर्ष पूर्व मोहम्मद साहब आए, मोहम्मद साहब जो कहते हैं वो ईश्वर की आज्ञा है। अब आप देखिए ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट और कुरान, ये तीनों एक ही प्रक्रियाएं के, एक ही यानी कड़ी के ग्रंथ हैं, और इनमें सब में ईश्वर अपनी आज्ञाएं इन मसीहाओं के द्वारा, पैगंबरों के द्वारा भेजता है, और जो उनकी बात मानता है उसको ईश्वर जन्नत में भेज देता है, जो नहीं मानता उसको जहन्नम में डाल देता है। अब आप बताइए क्या सही माने में ईश्वर कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी देश विशेष में रहता है, जो किसी प्रयोजन के साथ किसी सृष्टि का सृजन करता है, या जो सृष्टि के लिए अपनी आज्ञा का प्रसारण करता है और जो उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है उसको नरक में डालता है? अब आप ये भी थोड़ा विचार कीजिए कि आपकी आयु 100 वर्ष की है, 100 वर्ष में आपके कुछ वर्ष तो बाल्यपन में बीत गए, आधा जीवन तो आपका निद्रा में बीता, आधा
से जो बचा था जीवित अवस्था का, जागृत अवस्था का, कुछ बालपन में गया और कुछ वृद्धावस्था में गया। अब बीच का जो थोड़ा सा समय है आपके लिए कर्म का, उस कर्म के अनुसार यदि आपको जन्नत और जहन्नम मिलता है या स्वर्ग नर्क मिलता है फिर तो ठीक है, लेकिन आप अपने कर्मानुसार नहीं, आप तो अपने विश्वास के अनुसार स्वर्ग नरक को प्राप्त करेंगे। मेरे विचार से ये न तो युक्ति संगत विचार है न तर्क संगत विचार है। और इस प्रकार की ईश्वरवादी विचारधाराएं इस समय विश्व में अपना प्रचार और प्रसार कर रही हैं, और मानव मात्र को उसकी बुद्धि से विमुख करके अंधविश्वास में ढकेल रही हैं। दूसरी बात, ईश्वरवादियों के पश्चात एक और बात नया आया था कुछ दशक पूर्व से, जिसको आप कम्युनिज्म कहते हैं, साम्यवाद नाम दिया गया उसको। साम्यवाद का अर्थ तो संस्कृत में और कुछ है, लेकिन उन विचारकों ने उसको नाम दिया, अनुवाद किया हिंदी में साम्यवाद, हालांकि है वो कम्युनिज्म। कम्युनिज्म माने साम्यवाद नहीं हो सकता। जो हिंदी का थोड़ा सा भी ज्ञान रखता है, संस्कृत का थोड़ा सा भी ज्ञान रखता है, वो इस सत्य को समझ सकता है कि कम्युनिज्म शब्द जो है वह कम्यून से बना हुआ है, उसका अर्थ कभी भी साम्यवाद नहीं हो सकता। साम्यवाद तो समत्ववाद का अभिप्राय है, वो तो सारे मानव मात्र के लिए एक सा है, लेकिन नहीं। अब उन साम्यवादियों ने निश्चय किया कि दुनिया में जितनी संस्कृतियां हैं, जितनी सभ्यताएं हैं, जितनी मानवता के आधार हैं, उन सबको समाप्त कर दिया जाए और केवल एक उनके मसीहा जिसे कार्ल मार्क्स को कहते हैं, उनकी विचारधाराओं को सारी दुनिया में प्रतिष्ठित कर दिया जाए, इससे मानव मात्र में साम्यता आ जाएगी। लेकिन उसका दुष्परिणाम क्या हुआ आप जानते हो। उस देश का सर्वप्रथम हिमायती जो रशिया था, वो कुछ दशक बाद ही विखंडित हो गया, समाप्त हो गया। और अन्य देशों में जहाँ कहीं वो है, वो अपने उस रूप में नहीं है, उसका रूप दिनों दिन बदलता जा रहा है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि वो विचारधारा तो अपने मौत से पहले ही मर चुकी है, लेकिन फिर भी भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस विचारधारा को फैलाने के लिए सक्रिय हैं और जनता को धर्म पथ से भटका रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। एक तीसरी विचारधारा और चल रही है आजकल, भोगवाद की, पूंजीवाद की, व्यक्तिवाद की। ये व्यक्तिवाद जो है ये भी एक बड़ा खतरनाक स्वरूप ले रखा है। आप जानते हैं व्यक्तिवाद ही पूंजीवाद का आधार है और पूंजीवाद दुनिया के शोषण में निरत है। इसको तो आप लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं, सारी दुनिया त्राह त्राह कर रही है। अब इन तीनों वादों से मानवता की रक्षा कैसे किया जाए, इसके लिए केवल एक रास्ता है, शाश्वत सनातन धर्म का, जिसको हम अध्यात्मवाद कहते हैं। जब तक अध्यात्मवाद की विश्व में प्रतिष्ठा नहीं होती, तब तक ये मानव समाज कभी सुख और शांति से जीवन नहीं बिता सकता। अध्यात्मवाद में हर एक व्यक्ति की बुद्धि का आदर किया जाता है, अध्यात्मवाद में किसी को भ्रांति में नहीं डाला जाता, अध्यात्मवाद में किसी को प्रमुखापेक्षी नहीं बनाया जाता, अध्यात्मवाद में किसी को किसी के विचारों का गुलाम नहीं बनाया जा सकता, अध्यात्मवाद में कभी किसी के लिए ये प्रतिबंध नहीं होता कि तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग मत करो। अध्यात्मवाद तो है ही विवेक के ऊपर प्रतिष्ठित, और ये मानव मात्र का अपना वाद है, क्योंकि दुनिया में जहां भी कहीं मनुष्य है सब अध्यात्मवादी है, सब आत्मा के आश्रित अपनी बुद्धि, अपने मन, अपने इंद्रियों का, अपने शरीर का उपयोग करते हैं और उसके प्रकाश में वो अपने जीवन को सुखमय, शांतिमय, वैभवमय, ऐश्वर्यमय और अंततो गत्वा इस जगत के सुखमय जीवन जीने के पश्चात अपने कारण स्वरूप उस परब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाते हैं। इसलिए अध्यात्मवाद आज एक वैज्ञानिक धर्म बन गया है। वैज्ञानिकों ने इस अध्यात्मवाद को ही यथार्थ धर्म के रूप में स्वीकार किया है, और उसी अध्यात्मवाद की चर्चा मैं आप लोगों से कई दिनों से कर रहा हूं। मैं ऐसा समझता हूं कि जिस दिन इस मानव समाज से अध्यात्मवाद उठ जाएगा, उस दिन ये मानव समाज नरक बन जाएगा। यहाँ के ये जो फेनेटिक लोग हैं, सांप्रदायिक लोग हैं, जो व्यक्तिवादी, पूंजीवादी, ईश्वरवादी और तथाकथित साम्यवादी लोग हैं, ये सारे मानव समाज को विखंडित करके एक ऐसे दुख के गर्त में ढकेल देंगे जहां से मानव समाज का निकलना मुश्किल हो जाएगा। और धीरे धीरे मानव समाज उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये भी आश्चर्य की बात है, जानते हुए भी कि इन बातों ने विश्व में जितने रक्त की नदियां बहाई हैं, जितने ब्लड सेट किया है, दुनिया के अन्य किसी बात ने नहीं किया।
क्या आपने कभी सुना किसी अध्यात्मवादी ने किसी मानव की हत्या की हो अपने बात की प्रतिष्ठा के लिए? नहीं, असंभव, कोई ऐसा प्रमाण नहीं है। अध्यात्मवाद में सभी को स्वतंत्रता है, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए, बुद्धि के प्रकाश में सत्य को समझिए, सत्य को समझकर उसका अनुकरण कीजिए। एक बात और निवेदन कर दूं, मैं किसी विचारधारा या किसी धर्म की आलोचना नहीं कर रहा, मैं ये सत्य को उद्घाटित करते हुए आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि आप इस यथार्थ दृष्टि को समझें और तदनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ावें। अध्यात्मवाद आपको जीवन के हर एक क्षेत्र में सक्रिय रहने की सीख देता है। अध्यात्मवाद का एक अमर संदेश सुनिए आप, कठोपनिषद का संदेश है, जिसमें नचिकेता को यम ऋषि बताते हैं, जानाम्यहम् सेवधिः इति अनित्यम् नहि अध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवम् तत्। मैं भली भांति जानता हूँ, यम ऋषि कहता है कि मैं भली भांति जानता हूँ कि इस अनित्य और अध्रुव संसार का सेवन करने वाले व्यक्ति के लिए वह ध्रुव पद प्राप्त करना कठिन है, नहीं प्राप्त किया जा सकता है। जानामि अहम् सेवधिः इति अनित्यम् नहि अध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवम् तत्। इस अनित्य अध्रुव को सेवन करने से कोई उस ध्रुव पद को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन वो कहता है तथा मया नचिकेतो चितोग्निः, किंतु मेरे पास एक ऐसी ज्ञान विद्या है, एक ऐसा प्रकाश है, एक ऐसी अग्नि विद्या है जिसके प्रकाश में मैंने क्या प्राप्त किया। वो कहता है कि तथा मया नचिकेतो चितोग्निः अनित्य ही द्रव्य ही प्राप्तवान् अस्मि नित्यम्। इन अनित्य द्रव्यों का प्रयोग करके ही मैंने नित्य को प्राप्त कर लिया है। ये अध्यात्मवाद एक ऐसी विद्या है कि नाशवान जगत के साधनों का प्रयोग करके आप अविनाशी पद को प्राप्त कर लेंगे। आप नाशवान शरीर के उपयोग करके आप अविनाशी पद को प्राप्त कर लेंगे। आप इस अनित्य परिवर्तनशील जगत के साधनों का सदुपयोग करके आप नित्य अपरिवर्तनशील परम सत्य को प्राप्त कर लेंगे। ये वो विद्या है। इसीलिए मैं विदेशियों से भी कहता हूँ कि भाई, इफ यू वांट टू गो हेवन आफ्टर डेथ, यू मस्ट गो टू चर्च, दे हैव एजेंसी, दे विल सेंड यू देयर। बट इफ यू वांट टू एंजॉय हेवनली एंजॉयमेंट ऑन द अर्थ, कम टू मी, आई विल गिव यू दैट नॉलेज, दैट लाइट, दैट विस्डम थ्रू विच यू कैन एंजॉय मोर देन हेवनली एंजॉयमेंट ऑन द अर्थ, इन द एंड यू विल अचीव हाईएस्ट गुड। मेरे कहने का अभिप्राय कि मैं अंधविश्वास का समर्थक नहीं, वो कहीं भी हो। मैं नहीं कहता कि इस समय वर्तमान में हिंदू धर्म में अंधविश्वास नहीं है, मैं कैसे कह सकता हूं, मैं तो देख रहा हूं रातों दिन भेड़ बकरियों की तरह हजारों हजारों आदमियों को बैठा करके लोग मंत्र बोल रहे हैं और लोग उसको सुन करके गुरु और शिष्य का संबंध स्थापित कर रहे हैं। उनको पता भी नहीं गुरु माने क्या होता है, शिष्य माने क्या होता है। ये भेड़ चाल नहीं है तो और क्या है, ये अंधविश्वास नहीं तो और क्या है। यहाँ पर कोई विवेक के लिए स्थान है, बुद्धि के लिए स्थान है, विचार के लिए स्थान है? नहीं है। तो मैं ये नहीं कहता कि हिंदू धर्म में वर्तमान में, हिंदू समाज में वर्तमान में आज अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास तो यहां भी है, लेकिन ये अंधविश्वास उतना खतरनाक नहीं है। क्या समझे? ये अंधविश्वास उतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि इस अंधविश्वास ने एक व्यक्ति के जीवन को गुमराह किया है, पूरे समाज को, पूरे सोसाइटी को नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि अंधविश्वास से बचिए, चाहे वो कहीं भी हो। बुराई तो बुराई है, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, चाहे वो इस्लाम में हो, चाहे वो ईसाइयत में हो, चाहे वो बौद्धिस्ट में हो, जहां भी हो आप उससे बचने का प्रयत्न कीजिए। मैं जिस धर्म का प्रतिपादन कर रहा हूँ, जिस धर्म की व्याख्या कर रहा हूँ, वह शाश्वत सनातन धर्म, औपनिषदिक धर्म है, वह गीतोक्त धर्म है, वह वेदांत और सांख्य और योग के ऊपर प्रतिष्ठित धर्म है, वह ऐसा धर्म है जिसका आधार विज्ञान है। मैं वर्तमान की प्रचलित मान्यताओं को बहुत अधिमान नहीं देता, बहुत आदर नहीं देता, उसमें बहुत से ऐसी बातें हैं जो अंधविश्वास पर हो सकती हैं टिकी हो। लेकिन मैं ऐसा निवेदन करना चाहता हूँ कि मानव समाज धर्म के यथार्थ स्वरूप को समझे।
तदनुसार अपना जीवन बनावे, यही मेरा निवेदन है। अब आप मेरे से कुछ और बातें सुनिए। गीता के इस ज्ञान के प्रकाश में भगवान ने एक जीवन की व्यवस्था दी। उस जीवन व्यवस्था में उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन के पास, यानी मनुष्य मात्र के पास मुख्यतः तीन साधन हैं, बुद्धि है, हृदय है और हाथ है। वैदिक विज्ञान ने इसे त्रिविध कर्म की, या यूं समझिए कि ज्ञान, उपासना और कर्म की संज्ञा दी है, त्रिविध साधन की संज्ञा दी है, ऐसे समझिए आप। गीता ने इसे तीनों के संयोग को कर्मयोग का नाम दिया है। ये बिल्कुल सही है कि कुछ शताब्दियों पूर्व से भारत में एक ऐसी विकृति आई कि ज्ञान मार्ग अलग हो गया, भाव मार्ग अलग हो गया, कर्म मार्ग अलग हो गया। जो कर्मकांडी हैं वो ज्ञानियों और भाव प्रधान लोगों, भक्तों की निंदा करने लगे, जो भक्त हैं वो ज्ञानी और कर्मकांडियों की निंदा करने लगे, जो ज्ञानी हैं वो भक्त और कर्मकांडियों की निंदा करने लगे। परिणाम क्या हुआ? ये सारा समाज विभिन्न भागों में विखरित हो गया। यद्यपि हर एक व्यक्ति के पास बुद्धि है, हर एक व्यक्ति के पास हृदय है, हर एक व्यक्ति के पास हाथ है, यानी ज्ञान, भाव और कर्म के साधन हर एक व्यक्ति के पास है। जीवन की पूर्णता केवल ज्ञान मार्ग में नहीं है, जीवन की पूर्णता केवल भक्ति मार्ग में नहीं है, जीवन की पूर्णता केवल कर्म कांड में नहीं है, इन तीनों की आवश्यकता है और तीनों एक व्यक्ति में निहित होने चाहिए। यदि आप में ज्ञान नहीं है, भाव नहीं है और आप में कर्म की प्रवृत्ति नहीं है, तो क्या आप पूर्ण जीवन जी सकते हैं? असंभव है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि गीता का जो अमर संदेश है, उपनिषदों का जो अमर संदेश है, वेद का जो अमर संदेश है, ये तीनों का समन्वय आपके जीवन में स्थापित करना चाहता है, तीनों का समन्वय स्थापित करना चाहता है। यदि ज्ञान के प्रकाश में भाव का प्रयोग करते हुए आप कर्म में प्रवृत्त होते हैं तो आप कर्मयोगी बन जाते हैं, और यदि ज्ञान का दिवाला निकाल करके, ज्ञान को अलग रख करके, बुद्धि को तिलांजलि दे करके, केवल भाव में आकर के, इमोशन में आकर के किसी कर्म में प्रवृत्त होते हैं तो आप कर्मयोगी तो नहीं बनेंगे, कर्म भोगी अवश्य बन जाएंगे। इसलिए गीता ने आपको एक मार्ग दिखाया, और मार्ग क्या दिखाया? कहा कि ज्ञान के प्रकाश में, बुद्धि के प्रकाश में तुम अपने हृदय को, अपने मन को परिपुष्ट करो और सही दिशा में उसे लगाओ, और दृढ़ संकल्पों के साथ तुम लोक कल्याणार्थ कर्म में प्रवृत्त हो जाओ, और लोक कल्याणार्थ जो कर्म है वह तुम्हें परम तत्व तक पहुंचा देगा। यह गीता का संदेश है। मेरे कहने के प्राय कि ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है, कर्म अलग है, ऐसा जो मानते हैं वो अबुद्ध लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता, जो अज्ञानी लोग हैं, अबुद्ध लोग हैं, ऐसे लोग मानते हैं कि ज्ञान और योग माने कर्म योग, ये दोनों भिन्न भिन्न तत्व हैं। सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता, बाला माने अज्ञानी लोग, बालक लोग, अबुद्ध लोग ऐसा स्वीकार करते हैं कि ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों अलग अलग नहीं हैं। यत सांख्य प्राप्ते स्थानम तद योगैरपगम्यते, एकम सांख्यम च योगम च अपश्यति सपश्यति, जो तत्व सांख्य के द्वारा जाना जाता है, योग के द्वारा वही पाया जाता है। इसलिए इन दोनों का लक्ष्य एक है। जब दोनों का लक्ष्य एक है तो ये दोनों भिन्न भिन्न कैसे हो सकते हैं? हाँ, साधना की प्रक्रिया भिन्न है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और साधना की प्रक्रिया भिन्न होने से वह तत्व तो भिन्न नहीं हो जाता। यदि लक्ष्य एक है, साधना की प्रक्रिया भिन्न है, तो उसका प्रयोजन एक होने के नाते वह एक ही है, वह भिन्न भिन्न नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि आप मनुष्य होने के नाते केवल ज्ञानी न बने, केवल भक्त न बने, केवल कर्मकांडी न बने, इस एक एकांगी जीवन जीने से आपके जीवन में पूर्णता नहीं आएगी। ज्ञान के प्रकाश में ही आप अनित्य द्रव्यों का समुचित प्रयोग करके नित्य तत्व कर सकते हैं, और इसके लिए केवल ज्ञान की जरूरत नहीं, भाव की भी जरूरत है।
इसमें आपका भाव भी साथ होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय में बात समझाई है, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। वो कहते हैं कि जो अयुक्त है उसके पास विशुद्ध बुद्धि नहीं होती, जो अयुक्त है उसके पास विशुद्ध भाव नहीं होता, और जो अयुक्त है जब उसके पास विशुद्ध बुद्धि और विशुद्ध भाव नहीं है तो वह भला अपने जीवन में शांति को कैसे प्राप्त कर सकता है, और बिना शांति के सुख की उपलब्धि कैसे हो सकती है। मेरे कहने का अभिप्राय कि आप अपने जीवन को एकांगी न बनावें, केवल ज्ञानी होने का दम्भ न भरें। ज्ञानी होना बहुत अच्छा है, लेकिन ज्ञानाभिमान उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, याद रखना। ये श्रुति का कथन है, संदेश है। अविद्यायामंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जघन्यमाना पर्यंति मूढ़ा अंधे नैव निमाना यथांधा। इसका अर्थ होता है कि जो लोग ज्ञानाभिमान में पड़े रहते हैं लेकिन वो सदैव अविद्या में वर्तते हैं, ज्ञान की तो बातें करते हैं, आप उनसे वेदांत की बातें ऊंची से ऊंची सुन लीजिए, लेकिन दृष्टि कहाँ पड़ी हुई है, उस पैसे पर। इतने दिन कथा के पश्चात कितनी दक्षिणा आती है, दृष्टि इस पर पड़ी हुई है। अब आप बताइए उस कथा में बघारने वाले ज्ञान का क्या प्रयोजन रहा है। यदि पद पदार्थों के संग्रह में ही बुद्धि लगी हुई है तो उस बुद्धि के द्वारा कितनी भी ऊंची बातें क्यों न की जाए, उनका कोई प्रयोजन होता है। भगवान शंकराचार्य जी ने एक बात कही है, उन्होंने कहा वाग वैखरी शब्द जरी शास्त्र व्याख्यान कौशल। वैखरी वाणी से शब्दों की झरी लगाते हुए शास्त्रों के व्याख्यान में जो कुशल हैं, ऐसे लोग जो हैं वह केवल इस संसार में भुगते न तो मुक्ते, वो भोग सामग्री को तो प्राप्त कर सकते हैं लेकिन वो आत्म उद्धार अपना नहीं कर सकते। आजकल यही प्रथा चल रही है, यही प्रक्रिया चल रही है। ये जितने बड़े बड़े आप आयोजन देखते हैं उसमें अधिकांश आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जिनकी वाणी अलग है, जिनका कर्म अलग है और जिनके विचार अलग हैं। और आप जानते हैं ये महात्मा के लक्षण नहीं, संत के लक्षण नहीं। शास्त्रकारों ने बताया मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण एकम महात्मना, मनस अन्यत वचस अन्यत कर्मण अन्यत दुरात्मना। कहा जिसके मन अलग हैं, वाणी अलग है, कर्म अलग है, वो महात्मा नहीं दुरात्मा है। मेरे कहने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि आप अपने बुद्धि को, आप अपने हृदय को और आप अपने कर्म को एक साथ बांधिए। बुद्धि के प्रकाश में हृदय की भावनाओं से भावित होकर, भगवत भाव से भावित होकर आप अपने कर्म में प्रवृत्त होइए, कर्मानुष्ठान कीजिए। ऐसा कर्मानुष्ठान आपके लिए तो वरदान सिद्ध होगा ही, आपके समाज के लिए भी वरदान सिद्ध होगा। ये बात याद रखिए, यदि आप इस प्रकार के कर्मानुष्ठान की अपेक्षा विपरीत मार्ग अपनाते हैं, आप कर्मकांड के नाम पर दिन भर उन प्रकार के नियमों के पालन में ही लगे रहते हैं जिन नियमों का केवल आपके शरीर से संबंध है। हमारे यहाँ एक प्रथा चली, ये सबसे बड़े महात्मा हैं, क्यों? सबसे दूर रहते हैं, किसी से बोलता नहीं, किसी से छूते नहीं, ये बड़े महात्मा हैं। इनसे भी बड़े महात्मा ये हैं कि अपने हाथ से खाते नहीं, कोई खिला दे तो जरूर खाते हैं, और खिलाने वाले श्रद्धालु अब अपने हाथ से उनको क्या कुछ खिला रहे हैं ये कभी जाकर देखिए ऐसे महात्माओं को। इससे भी बड़े महात्मा ये हैं जो अब समाज से बिल्कुल दूर रहते हैं। हमारे यहाँ ये बात बताई गई है धर्मशास्त्र में कि जैसे जैसे व्यक्ति का आत्म विकास होता है वैसे वैसे समाज से एक होता है, वो समाज से अलग नहीं होता, समाज से पलायन नहीं करता, वह अपने आप में अहंकार को परिपुष्ट नहीं करता बल्कि वो समाज के साथ अपने आप को आत्मसात करता है। सर्वभूतात्म भूतात्मा संपूर्ण प्राणियों